हाय दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ कि आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं जो है काफ़ी दिनों से बिजी था अपने एग्ज़ाम्स को लेकर के, जिनके वजह से जो है मेरे इस वाले चैनल पर जो है कंटिन्यू वीडियो नहीं आ पा रहा था। सो अब से दोस्तों मैं जो है फ्री हो चुका हूँ और अब जो है मेरे इस वाले चैनल पर कंटिन्यू वीडियो आएगा और कंटिन्यू वीडियो जो है अपलोड होगा इस वाले चैनल पर। तो आप लोग जो है ज़रूर से सपोर्ट कीजिएगा। और दोस्तों, मैं जो है इस वीडियो में आपको कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ बताने वाला हूं, तो आप लोग जो है इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, मैं बताने वाला हूं कि आप जो है कभी भी किसी से व्हाट्सएप में बात करते हैं तो आपसे जो है कोई भी इंग्लिश में बात करता है, अगर मान लीजिए आपको इंग्लिश नहीं आता है तो आप जो है वहाँ से बात करना बहुत ही ज़्यादा दिक्कत महसूस करते होंगे, क्योंकि आपको इंग्लिश नहीं आता है तो आपसे बात इंग्लिश में बात करना भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाता है। तो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप जो है बिना इंग्लिश जाने हुए किस प्रकार से आप उनसे बात कर सकते हैं ताकि उनको भी लगे कि नहीं, अगला बंदा जो है इंग्लिश अच्छी तरह से समझ रहा है और वो लिख भी रहा है इंग्लिश में, तो उनको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। और इससे क्या होगा कि आपको खूब ज़्यादा प्रोफेशनल भी लगेगा। और अभी जो है इंग्लिश बहुत इम्पोर्टेंट लैंग्वेज हो चुका है अभी के टाइम पे, और इंग्लिश अभी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर जो अगर इंग्लिश नहीं जानते हैं तो उनका लिए काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाता है। तो आप जो है किन्हीं से भी व्हाट्सएप में जो है इंग्लिश में किस प्रकार से बात कर सकते हैं तो मैं जो है इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों, से पहले रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप दोस्तों चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, व्हाट्सएप में हम लोग फर्राटेदार इंग्लिश में बात करने के लिए किस प्रकार से बात कर सकते हैं, तो उसके लिए पहुंच चुके हैं सीधे मोबाइल की स्क्रीन पर। तो मोबाइल की स्क्रीन पर पहुंचने के बाद दोस्तों डायरेक्ट चलते हैं व्हाट्सएप में, क्योंकि हम व्हाट्सएप में बात करेंगे तो डायरेक्ट चलते हैं व्हाट्सएप में और वहाँ जाके आपको बताते हैं। तो दोस्तों, पहुँच चुके हैं व्हाट्सएप में। तो व्हाट्सएप में पहुँचने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको दिख रहा होगा मैसेज, तो मैसेज के ऑप्शन के नीचे में दोस्तों आपको दिख रहा होगा यहाँ पे आपको जी का सिंबल, तो यहाँ पे जी के सिंबल पे क्लिक करते हैं। तो जी के सिंबल पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक जो है थोड़ा फेस खुलेगा, तो फेस खुलने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको जो है इस तरह का फेस आपके पास जो है यहाँ पे आ जाएगा, इस तरह का फेस, इस तरह का जो है आपके पास आ जाएगा, तो इस तरह का जो है आपके पास आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको डिटेक्ट लैंग्वेज क्लिक करना है और यहाँ पर दोस्तों आपको जो इंग्लिश में अगर बात करना है तो यहाँ पे इंग्लिश सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इंग्लिश जैसे ही सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे हम लिखते हैं इंग्लिश में ही कैसे हैं, तो कैसे हैं, कैसे हैं जैसे ही लिखे तो हाउ इज़ यहाँ पे आ गया इंग्लिश में। और उसके बाद लिखते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा नाम क्या है। तो दोस्तों, हम जैसे ही किए तुम्हारा नाम क्या है नीचे में, तो वहाँ ऊपर में आपको दिख गया व्हाट इज़ योर नेम, यानी यहाँ पे हम कुछ भी लिखेंगे तो वहाँ पे जो है फटाफट जो है इंग्लिश में टाइप हो जाएगा, यानी ये कह सकते हैं कि ट्रांसलेट हो जाएगा। यहाँ हम हिंदी में टाइपिंग करेंगे और वहाँ जो है आपका इंग्लिश में जो है ट्रांसलेट हो जाएगा और वहाँ से जो हम डायरेक्ट किसी को सेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे मैं एक और एग्ज़ाम्पल देता हूँ, जैसे तुम कैसे हो, तो यहाँ पे हम लिखे तुम कैसे हो, तो वहाँ पे आ गया ऊपर में हाउ आर यू। तो यहाँ से हम किसी को जो है यहाँ से मैसेज में सेंड कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम किसी से भी हम आसानी से इंग्लिश में बात कर सकते हैं। इसके लिए ना हमें कोई एप्लीकेशन का ज़रूरत पड़ेगा और ना ही किसी चीज़ का ज़रूरत पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्ट हम व्हाट्सएप से ही किसी से हम आसानी से इंग्लिश में बात कर सकते हैं, ताकि सामने वाले बंदे को भी लगे कि नहीं, इनको भी इंग्लिश आता है। अगर दोस्तों आपको जो है इंग्लिश नहीं आता है तो आप आसानी से यहाँ से जो है बात कर सकते हैं, और ताकि दूसरे को सामने वाले को पता नहीं चले। तो इस प्रकार से दोस्तों आप जो है आसानी से इंग्लिश में बात कर सकते हैं। तो आई होप गाइस कि ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा, और मैंने बता दिया कि किस प्रकार से आप जो है बिना इंग्लिश जाने हुए आप किस प्रकार से किसी से जो है बात कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा, पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं इसी तरह के नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।